प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित, और ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे भील जनजाति की। भील जनजाति, भील जनजाति के अंतर्गत हमने देखा था कि इसके जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हमने देखा था आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह, और अब हम देख रहे हैं औजार व बर्तन। देखिए, भील जो जनजाति हैं, ये जनजाति शिकारी भी हैं और साथ साथ में क्या दिखाई दे रहा है, शाकाहारी भी हैं। मतलब कृषि भी करते हैं और साथ साथ में अखेट भी करते हैं। तो अखेट करने के लिए कुछ औजारों की, कुछ यंत्रों की आवश्यकता होती है। जैसे हम बात करेंगे धनुष बाण, तलवार, खंजर, ये सारे के सारे औजार ये लोग उपयोग में लेते हैं, या हम कह सकते हैं ये सारे के सारे अस्त्र शस्त्र उपयोग में लेते हैं। अब देखिए, अस्त्र शस्त्र का मतलब क्या है, अस्त्र क्या होता है, शस्त्र क्या होता है। अस्त्र जो फेंका जाता है, और शस्त्र होता है हाथ में रख कर चलाया जाता है। फेंका जाता है मतलब हम बात कर रहे हैं किसके, तीर की बात कर रहे हैं हम, किसके, बाण के। ये क्या है, फेंका जाता है। और शस्त्र जो है ये हाथ में रख कर चलाया जाता है। जैसे हम बात करेंगे तलवार की, बंदूक की, ये हाथ में रख कर चलाया जाता है। तो इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र उपयोग में लेते हैं। वहीं बाण जो उपयोग में लेते हैं, ये बाण दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक बाण का नाम दे रखा है हरियो और दूसरा रोबदो। देखिए, भील जनजाति के दो प्रमुख बाण बताइए, इस प्रकार से एक नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। पहला है हरियो और दूसरा है रोबदो। ये क्या हैं, ये बाणों के नाम हैं। इन जनजाति के द्वारा इन बाणों के नाम दिए गए हैं। इन दोनों की अलग अलग विशेषता है, एक कम दूरी तक या जिसका आगे का भाग कम नुकीला हो, दूसरा अधिक नुकीला हो सकता है। इस प्रकार से दो अलग अलग विशेषताओं वाले बाणों का उपयोग करते हैं भील जनजाति। अब देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो पक्षी है, पक्षियों को पकड़ने के लिए, पक्षियों को पकड़ने के लिए एक फंदा होता है, उस फंदे को ये लोग क्या कहते हैं, फटकिया। क्या कहते हैं, फटकिया कहते हैं। तो फटकिया क्या है, भील जनजाति के द्वारा पक्षियों को पकड़ने का एक प्रकार का जो फंदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फटकिया बोलते हैं। ये तो हम प्राचीन की बात करें, लेकिन कुछ लोग क्या हैं, कुछ भील क्या हैं, संपन्न हो गए हैं। संपन्न का मतलब वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, उनके पास में धन की व्यवस्था अच्छी है, तो वो क्या करने लगे हैं, वो इनको छोड़कर किसका प्रयोग करने लगे हैं, बंदूक का प्रयोग करने लगे हैं, और उस बंदूक से पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। बर्तनों की बात करेंगे तो भील जनजाति के जो लोग हैं,
ये लोग किस प्रकार के बर्तन रखते हैं? ये लोग, याद रखना कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हैं। साथ साथ में ये लोग, मैंने बताया था आपको कि इनका जो प्रिय भोजन है वो भोजन क्या है, वो भोजन है मक्का। इस मक्का को पीसने की चक्की भी रखते हैं, मक्का पीसने की चक्की भी ये लोग रखते हैं। अगर मक्का इनका प्रिय भोजन है तो उसको पीस कर ये लोग उसका भोजन के रूप में उपयोग में लेंगे। तो उसको पीसने के लिए एक चक्की की आवश्यकता होती है, वो चक्की भी ये लोग रखते हैं। साथ साथ में जो वनीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बांस से बने क्या पालने, या हम कह सकते हैं झूले भी रखते हैं, पालने भी रखते हैं। वो पालने किससे बने होते हैं? वो पालने बने होते हैं बांस से। तो इस प्रकार से हमने भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों की बात की है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो भील जनजाति हैं उनके कल्चर, मतलब उनके अंतर्गत जो लोग निवास करते हैं वो किस प्रकार के समाज में निवास कर रहे हैं, उनका समाज कैसा है, उनका जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो कैसी हैं, इसके बारे में देखेंगे। समाज व संस्कृति, समाज की बात करें तो ये जो लोग हैं ये पितृसत्तात्मक, पितर पितृसत्तात्मक कहने का अर्थ क्या है कि परिवार में जो मुखिया होता है वो मुखिया कौन होता है? पिता होता है। और सारा का सारा कंट्रोल परिवार का किसके हाथ में होता है? पिता के हाथ में होता है। जैसे हमारे समाज और संस्कृति के अंतर्गत यही सिस्टम है, वैसा ही सिस्टम इन भीलों में भी पाया जाता है। और ये लोग क्या हैं, कुलों में निवास करते हैं, कुलों में निवास करते हैं। और प्रत्येक कुल अलग अलग गांवों में निवास करते हैं, अलग अलग गांव के रूप में। कुल का अर्थ यहाँ आप ऐसे समझ सकते हो जाति के अकॉर्डिंग, जैसे ब्राह्मण जाति, जैसे हम बात करेंगे जाट, जैसे हम बात करेंगे राजपूत, और उनमें भी छोटी छोटी गोतें होती हैं, तो वो ही सिस्टम सेम इनमें होता है कि ये एक पर्टिकुलर जाति के लोग एक अलग गांव में रहेंगे, दूसरी जाति के लोग अलग गांव में रहेंगे। तो ये क्या होता है, प्रत्येक कुल अलग अलग गांव में निवास करते हैं। और इन कुलों की बात करेंगे तो इन कुलों का अपना अपना एक चिन्ह होता है जिसको गण चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गण चिन्ह। कुलों का जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? गण चिन्ह होता है। प्रत्येक कुल का अपना अपना एक गण चिन्ह होता है। अब हम बात करेंगे इनके विवाह संबंधी क्या रीति रिवाज है, तो विवाह संबंधी बात करेंगे, चाहे वयस्क हो, युवा हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, उनकी पत्नी जरूर होगी। मतलब वो वैवाहिक बंधन में जरूर बंधे होंगे, चाहे वो युवा हो और चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो। साथ साथ में ये भी है कि यहाँ इन जनजाति के लोगों में एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा भी है भील जनजाति के लोगों में। और देखिए, भील जनजाति के अंतर्गत ये नहीं है कि सिर्फ क्या होगा, सामान्य विवाह होगा, ये नहीं होता है कि यहाँ सिर्फ सामान्य विवाह होगा। सामान्य विवाह का मतलब ये होता है कि
दोनों पक्षों की सहमति होती है, वर पक्ष और वधु पक्ष की, और उसके बाद में अच्छी तरीके से पूरे समाज एक दूसरे से मिलते हैं और उस वैवाहिक प्रथा को संपन्न करते हैं। ये सिर्फ सामान्य ही विवाह नहीं करते हैं, बल्कि किसी भी लड़की के साथ में अगर विवाह करना है तो उसको भगाकर भी कर सकते हैं, सहमति कोई आवश्यक नहीं है। और जो विवाह का प्रस्ताव है, वो विवाह का प्रस्ताव किस पक्ष के द्वारा रखा जाएगा? वर पक्ष के द्वारा ही रखा जाएगा। अगर विवाह हो रहा है, सामान्य विवाह हो रहा है, तो उस विवाह के दौरान जो प्रस्ताव रखा जाता है वो प्रस्ताव वर पक्ष के द्वारा रखा जाता है। और उस समय क्या होता है, जो वधु पक्ष होता है, कन्या पक्ष होता है, उस कन्या का क्या करना पड़ता है? मूल्य चुकाना पड़ता है। उस कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है, और ये चुकाएगा कौन? वर पक्ष का जो पिता होता है, वर का पिता होता है, वो कन्या का मूल्य चुकाएगा और कन्या के पिता को वो मूल्य देगा। तो इस प्रथा को क्या कहते हैं? दापा। क्या कहते हैं? दापा प्रथा कहते हैं। कन्या का जो मूल्य चुकाया जाता है उसको भील जनजाति के लोग क्या कहते हैं? दापा कहते हैं। अब इसके अंतर्गत एक विवाह है और भी बताया गया है कि क्या होता है, सूरवीरता या साहस के माध्यम से, सूरवीरता या साहस के माध्यम से लड़की को चुनने का अधिकार, इस प्रकार की प्रथा क्या कहलाती हैं? गोल गादेड़ो, क्या कहते हैं उसको ये लोग कहते हैं उस प्रथा को गोल गादेड़ो प्रथा। गोल गादेड़ो प्रथा में क्या होता है कि एक टारगेट दिया जाता है, कन्या पक्ष के द्वारा एक टारगेट दिया जाता है, अगर उस टारगेट को सूरवीरता और साहस के साथ में वो लड़का, वो वर पक्ष उसको कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद में उस कन्या का विवाह है उसके साथ में हो जाता है। और इस प्रथा को किस नाम से बताया गया है? गोल गादेड़ो प्रथा के नाम से बताया गया। पूछा जा सकता है गोल गादेड़ो प्रथा क्या है, तो आप बेझिझक इसको लिख देना, सूरवीरता व साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवती का चुनने का जो अधिकार होता है, अधिकार पाता है, यही क्या है? गोल गदेड़ो प्रथा है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि देवी देवताओं के संदर्भ में क्या कंसेप्ट है इनके, और प्रकृति के संबंध में क्या कंसेप्ट है। देखिए, प्रकृति की दृष्टि से देखेंगे हम तो क्या है, ये प्रकृति के पूजक होते हैं। क्या होते हैं? प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं। जो वातावरण है, पर्यावरण है, जैसे जल, भूमि, अग्नि, वायु, इन सभी को ये क्या करते हैं? मानते हैं। और जो कृषि यंत्र वह उपकरण, इनका उपयोग कर ये लोग अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, अतः ये इन उपकरणों को भी क्या करते हैं? पूजते हैं। कृषि यंत्र व उपकरणों को भी क्या करते हैं? ये लोग पूजते हैं। और साथ साथ में क्या है, देवी देवताओं के संदर्भ में भी इनका उल्लेख मिलता है। देवी देवताओं को भी पूजते हैं। जैसे हम बात करें नाग देवता को भी ये लोग पूजते हैं। इनके साथ साथ में ये लोग क्या होते हैं? अंधविश्वासी होते हैं। भूत प्रेत जो होते हैं उनमें ये लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और जिस प्रकार से हम जो मृतकों का दाह संस्कार करते हैं, वैसा ही सिस्टम इनमें है कि ये लोग भी क्या करते हैं? दाह संस्कार करते हैं मृतकों का। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो पर्व होते हैं होली व दीपावली,
ये दो जो पर्व हैं ये इनके प्रमुख हैं, पर्व हैं, उत्सव हैं, त्यौहार हैं, होली व दीपावली। और लंबे समय तक ये होली माता के क्या करते हैं, गीत गाते हैं। होली माता के लंबे समय तक ये लोग क्या करते हैं, गीत गाते रहते हैं। और इनके नृत्य की बात करेंगे, इनके नृत्य की बात करेंगे तो नृत्य के अंतर्गत दो प्रमुख नृत्य आते हैं, घूमर व गैर। बहुत बार पूछा हुआ भी है और याद भी रखना है कि भील जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं वो कौन से हैं, घूमर व गैर, दो प्रमुख नृत्य हैं। उसके बाद में एक मेला लगता है जो भील जनजाति का प्रमुख मेला है, वो मेला कौन सा है, देखिए राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, राजस्थान की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से ये कौन सी नदी जा रही है, माही नदी जा रही है। कौन सी नदी, माही नदी। इसके यहाँ पर दो नदियाँ और मिलती हैं, एक हैं सोम, एक हैं जाखम। दो नदियाँ मिलती हैं, सोम और जाखम। ये तीन नदियाँ हो गई माही, सोम और जाखम इस क्षेत्र में। तो इसको बोलते हैं, जब तीन नदियाँ मिलेगी उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है, ये बनता है राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में। कहाँ पर बनता है, डूंगरपुर ज़िले में। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो कौन सा है, बणेश्वर, बणेश्वर धाम बोलते हैं, बणेश्वर मेला लगता है। कब लगता है, जनवरी, फरवरी माह में। जनवरी फरवरी माह में डूंगरपुर के अंतर्गत बणेश्वर मेला या बणेश्वर धाम लगता है, जो भीलों का प्रमुख मेला माना जाता है। कहाँ पर, डूंगरपुर में। और किस जगह पर, त्रिवेणी संगम, किसका, सोम, माही और जाखम। और यहाँ पर किसकी आराधना की जाती है, ये मेला किसके संदर्भ में है, किस देवता के संदर्भ में, तो याद रखना शिव की आराधना की जाती है इस बणेश्वर मेले में। किसके, शिव की आराधना की जाती है। और रात्रि में यहाँ पर क्या है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उस मंदिर में रास लीला का आयोजन किया जाता है। कब, रात्रि में। रात्रि में क्या किया जाता है, रास लीला का आयोजन किया जाता है। अब देखिए कि इस जनजाति में कई बार क्या होता है, कुछ आपातकालीन समय आ जाता है। जब भी कोई आपातकालीन समय आता है तो ये लोग एक नाम से संबोधित करते हैं और सभी लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भीलों का रणघोष। क्या बोलते हैं, रणघोष। ये रणघोष क्या है, क्या नाम है, फायरे, फायरे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, भीलों का रणघोष क्या है, फायरे, फायरे। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं फायरे, फायरे। तो इनका अर्थ क्या होता है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, और ये जो समय है ये आपातकाल का समय है। कौन सा समय है, आपातकाल का समय है। मैंने कल बात की थी कि छोटे गांव को क्या कहते हैं, छोटे गांव को क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बड़े गांव को क्या कहते हैं, पाल कहते हैं, ये मैंने कल बताया था। बड़े गांव को क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। और इस पाल का जो मुखिया होता है वो मुखिया कौन होता है, उस मुखिया को क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं। क्या कहते हैं, गमेती। तो पाल जो बड़ा गांव है, उस गांव का जो मुखिया होता है, उस मुखिया को किस नाम से जानते हैं,
गमेती के नाम से जानते हैं, और एक इनका मार्गदर्शक होता है। क्या होता है? मार्गदर्शक होता है जो सलाह देता है, हो सकता है किसी व्यवहारिक जनजीवन के संबंध में, हो सकता है सामाजिक जनजीवन के संबंध में, हो सकता है वातावरण पर्यावरणीय संबंध में। जो इनका मार्गदर्शक होता है उस मार्गदर्शक को क्या बोलते हैं ये लोग? बोलावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलावा। तो इनका जो मार्गदर्शक होता है वो क्या होता है? बोलावा होता है। ये हमने आज देखा है। उसके बाद भी हम बात कर रहे हैं इसके आगे के इनका जो आधुनिक संस्कृति जो संबंध है वो संबंध कैसा है। चार नंबर जो पॉइंट है वो चार नंबर पॉइंट है आपका आधुनिक संस्कृति से इनका संबंध। जैसे हमने एसिकमो और बुसमैन के संबंध में देखा था कि वर्तमान दृष्टि से वो किस प्रकार लोगों से व्यवहार कर रहे हैं और उनका जो आपसी संबंध है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है, तो उसी की बात कर रहे हैं आधुनिक संस्कृति से संबंध। देखिए, पहले जो भील जनजाति के लोग थे वो क्या थे? वो अखेट और शिकार करते थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या है, ये लोग धीरे धीरे क्या करने लगे हैं? कृषि करने लगे। और कृषि के साथ साथ में ये लोग क्या है, थोड़े से समझदार हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, जो युवा वर्ग है। अब ये क्या करने लगे हैं? ये शहरी क्षेत्रों में आने लगे, और शहरी क्षेत्रों में ये क्या करने लगे हैं? ये मजदूरी करने लगे हैं। शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में देखें तो ये लोग आते हैं और क्या कर रहे हैं? मजदूरी करते हैं। और भील जनजाति बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर धीरे धीरे क्या हो रही है? अग्रसर हो रही है। धीरे धीरे इनके पहनावे, जो बोलचाल की बात की थी, भाषा की बात की थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही है? वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, क्योंकि इनका जो संबंध है वो शहरी क्षेत्रों से धीरे धीरे होने लगा है। और जो सरकार है वो सरकार धीरे धीरे नई नई क्या कर रही है? अस्पताल खोल रही है, चिकित्सालय खोल रही है, नई नई प्रवेणीय व्यवस्था हो रही है, संचार की व्यवस्था है, बैंकिंग की व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य, जो प्रादेशिक उस क्षेत्र का जो नियोजन हो रहा है वो सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनमें बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बढ़ते हुए समय के कारण इनमें धीरे धीरे क्या हो रहा है? बदलाव उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, भील जनजाति के बारे में अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।